फैक्टिव वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, ट्रेन हमेशा से यातायात का सबसे सुलभ साधन रही है। एरोप्लेन की तरह ट्रेन समुद्र के ऊपर से नहीं उड़ सकती, लेकिन प्लेन की तुलना में ट्रेन का सफर सस्ता, सुंदर और टिकाऊ होता है। हम लोग जब भी ट्रेन में सफर करते हैं तो ये सोचते हैं कि काश ये ट्रेन थोड़ी और तेज चलती तो कितना अच्छा होता। दोस्तों, सबसे अच्छी तकनीक वाली हाई स्पीड ट्रेनें कुछ ही घंटों में आपको एक शहर से दूसरे शहर ले जा सकती है। फैक्टिव वर्ल्ड में आज हम आपको बताने वाले हैं दुनिया की 10 ऐसी ट्रेन्स के बारे में जो रफ्तार के मामले में प्लेन को भी मात देती है। हम आपको बताएं, उससे पहले आप लोग हमारे चैनल फैक्टिव वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने इस बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आपकी लाइफ का सबसे यादगार ट्रेन सफर कौन सा रहा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए अब आपको बताते हैं दुनिया की सबसे तेज ट्रेन्स के बारे में, जिसमें नंबर एक पर है शंघाई मागलेव। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार ट्रेनों में सबसे पहला नाम शंघाई मागलेव का है। ये दुनिया की सबसे तेज रफ्तार की ट्रेन है। इसकी अधिकतम रफ्तार 430 किलोमीटर प्रति घंटा और औसतन रफ्तार 251 किलोमीटर प्रति घंटे की है। शंघाई मागलेव ट्रेन को 1 जनवरी 2004 को पैसेंजर्स के लिए चीन में शुरू किया गया था। शंघाई मागलेव का संचालन शंघाई मागलेव ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से किया जाता है। इस ट्रेन का निर्माण सीमेंस और टाइसन ग्रुप ने मिलकर किया था। इसमें एक साथ 574 पैसेंजर यात्रा कर सकते हैं। शंघाई मागलेव में यात्रा के लिए एक टिकट की कीमत $8 और VIP टिकट $16 का है। नंबर दो पर है हॉर्मनी CRH 380A। 380 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर चलने वाली चाइना की इस ट्रेन को विश्व की दूसरी सबसे हाई स्पीड ट्रेन माना जाता है। शुरुआत में जब इस ट्रेन का टेस्ट किया गया था तो इस ट्रेन ने 416 किलोमीटर की रफ्तार का रिकॉर्ड बनाया था। CRH 380A को अक्टूबर 2010 में संचालित किया गया था। यह ट्रेन बीजिंग से शंघाई के बीच चलती है। इस ट्रेन को CSR क्विंगडाओ सिफोंग लोकोमोटिव और रोलिंग स्टॉक कंपनी ने बनाया है। इसे हल्के भार वाली एल्युमिनियम धातु से बनाया गया है और इसका अगला हिस्सा मछली के जैसा है। ये ट्रेन पूरी तरह से वाइब्रेशन फ्री है। इस ट्रेन में 494 पैसेंजर एक साथ सफर कर सकते हैं। इसमें सभी पैसेंजर्स के लिए रीडिंग लैंप, पावर पोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले की सुविधा होती है। नंबर तीन पर है AGV इटालो ट्रेन। अप्रैल 2007 में 574.8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर इस ट्रेन ने रिकॉर्ड बनाया था। AVG सीरीज की इस ट्रेन को फिलहाल 360 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर चलाया जाता है। यूरोप की सबसे तेज माने जाने वाली AGV इटालो को नापोली, रोमा, फ्रियंज, बोलोगना, मिलानो कॉरिडोर पर चलाया जाता है। इस ट्रेन को फ्रेंच कंपनी एल्स्टोम ने बनाया है। 2008 में इटली की NTV कंपनी ने एल्स्टोम से 25 AGV ट्रेन को 650 मिलियन यूरो में खरीदा था। रोम से नापोली की दूरी 189.07 है, जिसे ये ट्रेन एक घंटे में पूरा कर लेती है। ये एक इको फ्रेंडली ट्रेन है, जिसका 98% हिस्सा रिसाइक्लिंग हो सकता है। इस ट्रेन में 11 कैबिन होते हैं, जो तीन भाग में डिवाइड होते हैं, क्लब क्लास, प्राइम क्लास और स्मार्ट क्लास। नंबर चार पर है सीमेंस वेलरो EAVS 103। ये विश्व की सबसे तेज चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन्स में से एक है। स्पेन में 2007 में रेलवे ट्रैक पर दौड़ी इस ट्रेन की अधिकतम गति 403.7 किलोमीटर प्रति घंटे की है। हालांकि इसे अभी 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर दौड़ाया जाता है। बार्सिलोना मैड्रिड लाइन पर चलने वाली इस ट्रेन को 2011 में स्पेनिश नेशनल रेलवे ने अवार्ड किया था। इससे पहले स्पेन से बार्सिलोना की दूरी 504.64 किलोमीटर है, जिसे ये ट्रेन सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा कर लेती है। इसमें 8 पैसेंजर कैबिन होते हैं, जिसमें 404 लोग सफर कर सकते हैं। नंबर 5 पर है टल्गो 350 ट्रेन। बतख की चोंच जैसे मुंह वाली टल्गो 350 ट्रेन 2005 में मैड्रिड बार्सिलोना लाइन पर चलाई गई थी। स्पेन में इस तरह की 46 ट्रेन सेवाएं दे रही है। इस ट्रेन की अधिकतम गति 350 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इस ट्रेन को स्टेट रन रेलवे सिस्टम ऑपरेट करती है। इसमें 2 ड्राइवर कैबिन
और 12 पैसेंजर कैबिन होते हैं। इसके आगे के हिस्से की डिज़ाइन हवा के दबाव को हैंडल करने के लिए बनाई गई है। इसमें चार तरह की सीटिंग फैसिलिटी है, क्लब क्लास, फर्स्ट क्लास, बिस्ट्रो क्लास और कोच क्लास। इस ट्रेन की हर सीट पर एक स्क्रीन लगी होती है जिसमें पैसेंजर्स के लिए ऑडियो वीडियो की सुविधा होती है। इसमें भी ट्रैवल की रियल टाइम इन्फॉर्मेशन कैबिन के दरवाजों और सीट के सामने लगी स्क्रीन पर दी जाती है। नंबर 6 पर है शिंकसेन हायाबुसा ट्रेन। वर्तमान में जापान की सबसे तेज ट्रेन्स में से एक है E5 सीरीज की शिंकसेन हायाबुसा ट्रेन। जापान में शिंकसेन का मतलब बुलेट ट्रेन होता है। इसके ट्रायल में इसकी अधिकतम गति 400 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसे कावासाकी हैवी इंडस्ट्री और हिताची ने जापानी रेलवे के लिए बनाया था। पूरी तरह से हवाई जहाज के आगे के हिस्से की तरह डिजाइन किया गया है, जो 15 मीटर लंबा है। यात्रियों को झटके से बचाने के लिए बोगियों को सपाट बनाया गया है। साथ ही एयर स्प्रिंग का इस्तेमाल किया गया है, जो हवा के दबाव से पहिए में पैदा हुए झटकों से बचाता है। इसमें ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम है, जिसका मतलब है कि ड्राइवर अगर कोई गलती कर रहा है तो कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी ट्रेन की कमान अपने हाथों में ले सकते हैं। नंबर 7 पर है एयरस्ट्रॉम यूरो डुप्लेक्स ट्रेन। फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और लग्जमबर्ग रेलवे नेटवर्क पर दौड़ाने के लिए तैयार की गई एयरस्ट्रॉम यूरो डुप्लेक्स ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति हासिल कर सकती है। इसे भी SNCF रेलवे कंपनी ही ऑपरेट करती है। ये ट्रेन दिसंबर 2011 में शुरू की गई थी। इसे एल्स्ट्रम रेलवे कंपनी ने तैयार किया है। ये TGV डबल डेकर का तीसरा अपग्रेड वर्जन है। इस ट्रेन में 1020 यात्री एक साथ सफर कर सकते हैं। नंबर 8 पर है TGV डबल डेकर ट्रेन। फ्रांस की इस ट्रेन को SNCF कंपनी ऑपरेट करती है। 1996 से 2004 के बीच TGV डबल डेकर ट्रेन का उत्पादन किया गया और दिसंबर 2011 से ये ट्रेन दौड़ने लगी। इस ट्रेन को अधिकतम 300 से 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर दौड़ाया जा सकता है। इस ट्रेन में एक बार में 508 यात्री ऊपर और नीचे के डिब्बों में सफर कर सकते हैं। फिलहाल 450 TGV ट्रेन 230 स्थानों के लिए चलाई जा रही है। इस ट्रेन को तेज गति देने के लिए एल्युमिनियम धातु का प्रयोग किया गया है। इस ट्रेन को मुख्य रूप से पेरिस और मासिला के बीच चलाया जाता है। नंबर 9 पर है ETR 500 फ्रांसिरासो ट्रेन। फ्रांस की ताइवान की फ्रांसिरासो ETR 500 का अपग्रेड वर्जन है। इस ट्रेन को 2008 में रोम से मिलान के बीच चलाया गया। अब रोम से मिलान के बीच 28 फ्रांसिरासो ट्रेन चल रही है। इस ट्रेन को क्लाइमेट कंट्रोल, साउंड इंसुलेशन और एर्गोनॉमिक सीट के साथ लग्जीरियस बनाया गया है। इस ट्रेन का संचालन ट्रेनिटालिया द्वारा किया जाता है। रोम से मिलान के बीच की दूरी 476 किलोमीटर की है और इस दूरी को ये ट्रेन 2 घंटे 40 मिनट में तय कर लेती है। नंबर 10 पर है THSR 700T। ताइवान की ये हाई स्पीड ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। जापान द्वारा निर्मित ये ट्रेन 2007 में टाइपे और कैसियुंग के बीच चलाई गई। इस ट्रेन के 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलने से ताइपे और कैसियुंग की दूरी महज 90 मिनट की रह गई। वहीं ताइपे से कैसियुंग कार से जाने में 4.5 घंटे लगते हैं। इस तेज तर्रार हाई स्पीड ट्रेन को कावासाकी, हिताची और निपोन शियारो ने मिलकर बनाया। 700T कावासाकी के 700 सीरीज वाली शिकानसेन ट्रेन पर आधारित थी। इस प्रोजेक्ट के तहत शुरुआत में 30 ट्रेनें तैयार की गई, जिन पर 3.4 बिलियन का खर्च आया था। इसके ताकतवर इंजन के कारण ये 0 से 300 किलोमीटर की रफ्तार सिर्फ 15 मिनट में तय कर लेती है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 10 सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन्स। दोस्तों, आपकी इन ट्रेन्स के बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल फैक्टिव वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।